नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा दोनों तरफ से रॉकेट दाग दिए जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। इंटरनेशनल मीडिया में ये काफ़ी चर्चा का विषय है। भारत में भी दो धड़ा है, एक धड़ा जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, दूसरा धड़ा जो इजराइल को सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन वाला मामला भारत और पाकिस्तान के विवाद से काफ़ी समानता रहता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही क्षेत्र पहले ब्रिटेन के अधीन रहे हैं और टू नेशन थ्योरी के तहत दोनों का बंटवारा हुआ है। उसके बाद से यूएन का दोनों में हस्तक्षेप रहा है तथा दोनों का धार्मिक आधार, बंटवारे में धार्मिक आधार प्रमुखता रखता था। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे हम आज पूरे के पूरे इसके ऐतिहासिक पक्ष से लेकर के वर्तमान तक की स्थितियों की कि आखिर ये विवाद है क्या, ये विवाद कैसे पनपा, गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है और हमास से ही क्यों हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है इजराइल का, और इसमें अरब देशों का क्या रोल है, अरब देश क्यों इजराइल से इतना खफा रहते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर को शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले, वर्तमान स्थिति को पहले हमको इतिहास को जानना होगा कि आखिर पहले ये क्षेत्र कैसा था, अब ये क्षेत्र कैसा है, इजराइल नामक कोई देश था भी या नहीं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हमको सर्वप्रथम यहूदी धर्म के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो दोस्तों, यहूदी धर्म आज से करीब 4000 साल वर्ष पुराना है। यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। मूर्ति पूजा जो है वो यहूदी धर्म में पाप माना जाता है और इसकी धार्मिक भाषा जो है इब्रानी है, उसे हिब्रू भी कहा जाता है। इसका धार्मिक ग्रंथ जो है वो तनख है, जो मतलब हिब्रू भाषा में ही लिखा गया है। और यहूदी धर्म का जन्म पैगंबर अब्राहम से माना जाता है। पैगंबर या अब्राहम के ही एक पोते थे जिनका नाम था याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता था, उनका दूसरा नाम इजराइल भी था। उस समय ये फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में 12 जनजातियाँ थीं जो इधर इधर बिखरी हुई थी। तो याकूब क्या करते हैं कि उन 12 जनजातियों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके एक इजराइल नाम के अपने ही नाम पे एक देश का निर्माण करते हैं और उसको इजराइल नाम देते हैं। उसकी राजधानी उसको यरूशलम को रखते हैं। और याकूब के एक बेटे होते हैं यहूदा, जिनको जुदा भी कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पे, यहूदा के नाम पे, ये जो 12 जनजातियों को वो अपने नाम के देश में बसाए थे, इनको यहूदी नाम देते हैं। दोस्तों, करीब 2500 साल वर्षों से ये जो यहूदी लोग थे, व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए तथा ऐसे भी, ये पलायन करने लगे धीरे धीरे इस क्षेत्र से, यूरोप के क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, हमारे तरफ मतलब साउथ एशिया के क्षेत्र में ये लोग मतलब चले जाते हैं इधर उधर, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या फिलिस्तीन के क्षेत्र में धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद वो पूरा का पूरा फिलिस्तीन वाला क्षेत्र जो इजराइल था पहले, वो धीरे धीरे बाहरी आक्रमणकारियों के कब्जे में आने लगता है। कई बार वहाँ पे रोमन का शासन होता है, पर्शियन का शासन होता है, उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य का होता है, और उसके बाद से 1914 से लेकर के 1948 तक का जो पीरियड था, उस समय ब्रिटेन का वहाँ पे शासन रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इतना भी पता चला होगा कि पहले की स्थिति क्या थी। पहले भी इजराइल नाम का एक देश एग्जिस्ट करता था, और उसके बाद से इसीलिए जो ये यहूदी हैं उस क्षेत्र को अपना एक होली प्लेस मानते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र के लिए वो यहूदी लड़ने को तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, जब ये लोग यहाँ से पलायन करके चले गए थे, इनकी जनसंख्या यहाँ पे कम हो गई थी, तो फिर 1490 का दौर आया जब ये बड़े पैमाने पे पुनः अपने क्षेत्र की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ ये आना शुरू कर दिए क्रिश्चियनों द्वारा। 1492 में स्पेन ने इनका और ज्यूस का मतलब इनका यहूदियों का बड़े पैमाने पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इनको मारा काटा गया। और क्योंकि क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि ये जो यहूदी हैं ये क्रिश्चियनों का मतलब एक बिगड़े हुए रुख हैं, पुराने हैं, बर्बर लोग हैं, और इसी वजह से वो लोग इनके बारे में बहुत सारे अफवाहें भी फैलाते थे कि ये बच्चों को खा जाते हैं, लोगों का खून पीते हैं, जिसकी वजह से इनकी अफवाहों की वजह से इनको बड़े पैमाने पे मारा जाता था, इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और ये भाग करके फिर 1490 के दौर में फिलिस्तीन के क्षेत्र में आना शुरू कर दिए। दोबारा दोस्तों, 1881 का समय आता है, उस समय भी ज्यूस का बड़े पैमाने पे यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यदि दोस्तों बात करें संसार में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, अत्याचार, नरसंहार सहने वाली यदि कोई कम्युनिटी है धार्मिक आधार पे, तो वही यहूदी ही है। यहूदियों ने ही सर्वाधिक डिस्क्रिमिनेशन सहा है। तो 1881 में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है इनका यूरोप के रीजन में, जिसकी वजह से ये भाग करके पुनः फिलिस्तीन के क्षेत्र में आते हैं। और इस समय यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। ऑटोमन साम्राज्य एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष एम्पायर था। यहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी साथ मिल के रहते थे
और साथ मिल के रहने का रीज़न, विवाद न होने का रीज़न ये भी था कि अभी यहाँ पे जनसंख्या इन लोगों की बहुत कम थी, संसाधन ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये आराम से रह लेते थे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौर की। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी, ये एक तरफ होकर के लड़ रहे थे जिनके साथ इन्हें, और उसके बाद से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो है एक तरफ होकर के लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री थे आर्थर बेलफोरो उनका नाम था, उन्होंने एक बेलफोरो घोषणा पत्र जारी करके यहूदियों को ये लालच दिया कि तुम ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ हमारा सपोर्ट करो युद्ध में, यदि हम जीतते हैं तो तुम्हें ये पूरा का पूरा रीजन फिलिस्तीन का दे देंगे और तुम अपना प्राचीन जो इजराइल देश है वो यहाँ पर बसा लेना। अब यहाँ पर पहली बार फिर से आता है यहूदियों के मन में कि ये ब्रिटेन सही कह रहा है, बेलफोरो सही कह रहे हैं, हमारा ये क्षेत्र था और हम यहाँ पर अपना देश बनाएंगे। और यही सेम बात जो बेलफोरो ने ब्रिटेन ने इनसे कही यहूदियों से, यही सेम लालच वो देते हैं अरबों को। उस समय अरब भी एक ग्रेट अरब कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे थे, वो चाहते थे कि पूरा टर्की से लेकर के यमन तक का जो हिस्सा है वो एक ग्रेट अरब कंट्री बने। तो इन्होंने, ब्रिटेन ने अरबों को भी लालच दिया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, हम चिंते के हम जीत जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्षेत्र दे देंगे, आप एक अरब कंट्री का निर्माण कर लीजिएगा। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जीत भी जाता है ब्रिटेन, लेकिन जीतने के बाद ब्रिटेन इन दोनों को धोखा दे देता है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो रीजन था पश्चिमी एशिया का, वो फ्रांस के साथ आपस में बांट लेता है और 1922 में लीग ऑफ नेशंस जो थी वो मैंडेट भी स्वीकार कर लेती है, मान लेती है कि फिलिस्तीन जो है अब वो ब्रिटेन का क्षेत्र है। तो 1918 से लेकर के 1948 तक का जो पीरियड है उस समय फिलिस्तीन के क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा रहता है एक तरीके से। फिर दोस्तों इसी के बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, हिटलर जो आता है वो नाजीवाद की विचारधारा को बढ़ावा देता है, स्वास्तिक का चिन्ह उनका जो होता है वो धार्मिक चिन्ह होता है एक तरीके का। और ये नाजीवाद जो है दोस्तों एक उग्रता पे आधारित, नस्लीय भेदभाव और नस्लीय उच्चता पे, श्रेष्ठता पे आधारित विचारधारा है। नाजी ये मानते हैं कि हम लोग आर्य हैं और हमें भगवान ने भेजा है धरती पे, और हमारा, हमको राज करने के लिए भगवान ने भेजा है, हमारा हक है, हम किसी भी जाति समुदाय के साथ बर्बर व्यवहार कर सकते हैं, किसी को भी मार काट सकते हैं, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। और नाजीवादी सबसे ज़्यादा जेविस लोगों से, यहूदियों से नफरत करते थे, जिसकी वजह से हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार शुरू करा दिया, बड़े पैमाने पर यूरोप में यहूदी मारे गए, और जिसकी वजह से ये फिर से इधर उधर हिटलर के प्रभाव वाले क्षेत्रों से भागने लगे अपनी जान बचा करके। कुछ लोग फ्रांस गए, कुछ लोग ब्रिटेन गए और कुछ लोग अमेरिका, 8000 से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ, अपने यहाँ शरण में ले लिया, जिसकी वजह से आज अमेरिका में यहूदियों की कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहूदी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हमेशा हर स्टेट पर इजराइल के साथ मतलब खड़ा हुआ दिखाई देता है, इजराइल के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ की पोलिटिकल पार्टियों को यहूदी वोट की लालच रहती है। और उसके बाद से ज़्यादातर यहूदी भाग करके फिलिस्तीन के क्षेत्र में भी आते हैं। इस समय यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन तो शुरू में इनको शरण देता है, आने देता है, लेकिन जब इसको लगता है कि बड़े पैमाने पे लोग उधर से आ रहे हैं इधर शरण लेने के लिए, तो ब्रिटेन रोकने लगता है उनको और आने से मना करने लगता है, जिस समय इनके अंदर एक तरीके का राष्ट्रवाद की भावना फूट जाती है कि अरे ये हमारा क्षेत्र है, हमको ही रोक रहे हैं ये लोग आने से। अब इनके अंदर कैसे भी होता है कि अब जिए हमारे, हमको अपना देश लेना है, हमको फिर से इजराइल एक बनाना है। इसी समय फिलिस्तीनी भी उठ चुके थे, अब दूसरों का गुलाम रहते रहते, कभी ऑटोमन साम्राज्य का गुलाम, तो कभी रोमन का, तो कभी पर्शियन का, कभी अरबों का, वो भी गुलाम रहते रहते अब थक चुके थे, वो भी चाहते थे कि अब हमें फिलिस्तीन एक आज़ाद देश चाहिए, इस पर हम अपना शासन करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। वो भी चाहते थे कि अब इन विदेशियों को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। तो फिलिस्तीनियों के मन में भी, यहूदियों के मन में भी अपने अपने राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी, उनमें धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर के झड़पें भी होने लगी। और जब इधर ब्रिटेन ने एक बार खुल करके कह दिया कि हम इस क्षेत्र को इजराइल नामक देश बनाने के लिए यहूदियों को सौंपेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा विवाद बढ़ गया और आपस में ये दोनों कम्युनिटी, यहूदी और फिलिस्तीनी, आपस में लड़ने लगे। तो इस विवाद को ही देखते हुए यूनाइटेड नेशन जो था 1947 में एक पार्टीशन प्लान जो है वो देता है, और इस पूरे रीजन को तीन हिस्सों में बांटने का, मतलब उस प्लान में बांटने के लिए कहा जाता है, जिनमें से 45% एरिया फिलिस्तीन को देने के लिए कहा जाता है और 55% एरिया जो है वो इजराइल के निर्माण के लिए देने को कहा जाता है। और यरूशलम को जो है वो
इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यरूशलम जो था वो तीनों धर्मों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। और यरूशलम जो है मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे होली प्लेस है मुस्लिमों के लिए, और क्रिश्चियनों के लिए सबसे होली प्लेस है, और उसके बाद से यहूदियों के लिए, जेविस के लिए तो ये सर्वाधिक होली प्लेस था ही पहले से ही। तो इसीलिए यूएन चाहता है कि इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाए, इसको किसी एक देश को ना दिया जाए। और उसके बाद से क्या होता है दोस्तों कि लेकिन इस पार्टीशन प्लान का अरब बहुत तीव्र गति से विरोध करते हैं, और अब नहीं चाहते हैं कि 1% हिस्सा हम यहूदियों के दें, लेकिन यहूदी इस पार्टीशन प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। 1944 का वर्ष आता है और ब्रिटेन बिना इस पार्टीशन प्लान को लागू किए ही उस क्षेत्र को छोड़ करके चला जाता है 1948 में। और ब्रिटेन के जाते ही 14 मई 1948 को इजरायली, मतलब जो यहूदी थे, वो इजराइल को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, जिससे खिन्न हो जाते हैं अरब देश, और अरब देश खिन्न होकर के इजराइल पे 15 मई को ही आक्रमण कर देते हैं 1948 में, जिसे फर्स्ट अरब इजराइल वार कहा जाता है। दोस्तों इस समय लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं और इजराइल पे आक्रमण कर देते हैं। इजराइल अभी अभी नया नया देश फाउंड हुआ था, बहुत कम लोग थे, उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई देश नहीं था सपोर्ट करने के लिए, और वो सोचे कि यदि इस समय हम भागे तो हर समय तो भागते ही रहे हैं, हर समय कभी यूरोप में मारा जाता था हमें तो अब अरब मार रहे हैं हमको, तो हमेशा हम भागते ही रहेंगे, लेकिन यदि लड़े और जीत गए तो हमारा अपना कहने के लिए एक देश होगा हमारे पास और हम सुकून से जी सकेंगे। तो करो या मरो की स्थिति में ये जो इजरायली थे यहूदी आ गए, और उन्होंने जी जान लगा करके युद्ध लड़ी, और वो युद्ध जीत भी गए, और वो युद्ध जीते और दिखा दिए लोगों को कि केवल संख्या और हथियारों के बल पे ही नहीं, कुछ युद्ध हौसलों से भी जीते जा सकते हैं। और उसके बाद से ये जीते तो जो 45% हिस्सा मिलने वाला था फिलिस्तीनियों को, उसका अधिकतर भाग इन्होंने कब्जा कर लिया, और गाजा पट्टी वाले इलाके पे मिस्र का कब्जा हो गया, तो जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था उस पे जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, और बाकी का सारा इलाका कंट्रोल में आ गया इजरायलियों के। और इस युद्ध से सबसे ज़्यादा हानि जो हुआ वो हुआ फिलिस्तीनियों का, 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी इधर इधर भटक गए, शरणार्थी बन गए अपने ही देश में, उनका ना घर रहा ना कुछ भी। इसे 1948 का पैलेस्तीनियन एक्जोडस भी कहा जाता है। ऐसे ही फिलिस्तीनी धीरे धीरे जीते गए बिना देश के, बिना सरकार के। 1964 में जो कुछ फिलिस्तीनी थे जो चाहते थे कि नहीं हमें अपना देश फाउंड करना है, हमें भी बनाना है, हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, वो 1964 में पैलेस्टीनियन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं, और अपना प्राथमिक लक्ष्य रखते हैं कि हम हथियार के बल पर नए देश का निर्माण करेंगे और इजराइल को मिटा देंगे, जिसकी वजह से यूएसए और इजराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देने के बाद ये जो संगठन है एक तरीके से बहुत सारे देशों में बैन हो जाता है। अब दोस्तों समय आता है 1967 का, प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जो देश हार गए थे वो फिर से रणनीति बनाते हैं कि इस बार कैसे भी इजराइल को मिटा देना है और उस पूरे क्षेत्र पे हमें कब्जा कर लेना है। तो इस बार 6 देश अरब के जो महत्वपूर्ण देश थे उस समय एक साथ आते हैं इजराइल को हराने के लिए, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक और बहरीन, ये एक साथ आकर के 1967 में पुनः इजराइल पे हमला बोल देते हैं। लेकिन इस बार इजराइल उन लोगों को पूरी तरीके से हरा देता है, मात्र 6 दिनों में ही ये 6 दोस्तों को इजराइल हरा देता है, इसीलिए इसे 6 दिन का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सीरिया का जो गोलन हाइट्स वाला इलाका होता है उसको इजराइल पूरा कब्जा लेता है, मिस्र का जो गाजा पट्टी मिस्र 1948 के युद्ध में अपने कब्जे में ले लिया था उस गाजा पट्टी को इजराइल पुनः अपने कब्जे में ले लेता है, और पूरा का पूरा मिस्र का जो उसका सिनाई प्रांत था उसे भी मिस्र अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक के इलाके को भी जीत लेता है। और ये अरबों के लिए एक बहुत बड़ा हार था, पूरा विश्व चौकन्ना रह गया, चौंक गया पूरा कि इजराइल के इस इतने बड़े जीत को अकेले के दम पे देख कर गए। लेकिन 1974 का दौर आता है, यूएन जो होता है वो पीएलए को, मतलब पैलेस्टीनियन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद से 1979 का समय आता है, जिसमें मिस्र और इजराइल की संधि होती है, मिस्र में सत्ता का परिवर्तन होता है 1979 में, वहाँ पे एक अच्छे मोहम्मद सादात करके एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो चाहते हैं कि नहीं इजराइल एक देश होना चाहिए, यहूदियों के लिए भी एक देश होना चाहिए, और वो यही मान्यता इजराइल को, मतलब पहला देश था मिस्र जो अरब कंट्री जो मान्यता देता है इजराइल को, जिससे खुश होकर इजराइल ने भी क्या किया कि उसका सिनाई प्रांत जो 1967 में इजराइल 1967 के युद्ध में जीत लिया था उसका सिनाई प्रांत खुश होकर उसे लौटा देता है। लेकिन मिस्र में एक तबका था जो कट्टरवादी तबका था जो नहीं चाहता था कि
हम इसराइल को भी एक अभी अंश हिस्सा दें। वो लोग सोचने लगे कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री इसराइल को मान्यता दे सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों से। और वो लोग क्या करते हैं कि मोहम्मद सद्दात की, अनवर सद्दात की, जो उनके पीएम है, कायरो में, मिस्र की राजधानी कायरो में कट्टरपंथी लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है 1981 में। लेकिन मिस्र के और इसराइल के इस शांति समझौते के लिए इन्हें उस समय का नोबेल प्राइस भी, मिस्र के और इसराइल के प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइस दिया जाता है। अब दोस्तों 1967 में जो जिन क्षेत्रों को जीत लिया था इसराइल, अब दोस्तों 1967 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले इलाके पे इसराइल का कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से इसराइल उन क्षेत्रों में अपने लोगों को बढ़ावा देने लगता है कि वो वहाँ पे जाएं, कॉलोनियाँ बनाए रहें। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे जो सेटलमेंट्स हैं इसराइल बना लेता है उन क्षेत्रों में, और आज बड़े पैमाने पर इसके लोग वहाँ पर रहते हैं, जो यूएन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था, क्योंकि उसके तहत वो क्षेत्र जो है वो फिलिस्तीन का होना था। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी तथा भारत भी इस बात का विरोध करते हैं कि इसराइल उन क्षेत्रों में क्यों बना रहा है सेटलमेंट जो फिलिस्तीनियों को दिया गया था। और दोस्तों इसराइल 1967 का युद्ध जीतने के बाद क्या करता है कि अपनी राजधानी तेल अवीव से बदल करके और जेरूशलम शिफ्ट कर लेता है, जिसका बहुत ही बड़े पैमाने पे अरब भी विरोध करते हैं, फिलिस्तीन भी विरोध करते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात का भी विरोध करती है, भारत भी विरोध करता है कि ये क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र रखना था, तो हम नहीं मान सकते कि इस पे इसराइल का कंट्रोल होगा। लेकिन अमेरिका के अभी डोनाल्ड ट्रंप 2017 में इसको सपोर्ट किए थे, वो कहे थे कि अमेरिका मानता है कि पूरा का पूरा जो यरूशलम है वो फिलिस्तीनियों का है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ का विरोध करती है। 1992 में दोस्तों इसराइल में सत्ता का परिवर्तन होता है, एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री वहाँ पे बनते हैं जिनका नाम था इत्सहाक रबिन। वो मानते हैं कि इसराइलियों को भी अपना सरकार मिलना चाहिए, उनका भी देश बनना चाहिए, फिलिस्तीनियों का भी देश बनना चाहिए, उनका भी अपना सरकार बनना चाहिए। और इसीलिए वो PLO को क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन मानते थे टेररिस्ट पहले तो, लेकिन फिर वो उसको मान लिए कि चलो ये फिलिस्तीनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कोई प्रतिनिधि आतंकवादी संगठन नहीं है, जिससे खुश हो जाते हैं PLO के लोग। और PLO भी मान लेता है कि नहीं, इसराइल रहना चाहिए, इसराइल भी बने, लेकिन हमें भी हमारा देश मिल जाए, जिसकी वजह से दोनों में करीबियाँ बढ़ती हैं। दोनों तरफ से कुछ ऐसे बयान किए जाते हैं जैसे लगता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 1992 में दोस्तों एक ओस्लो सम्मेलन होता है जिसमें दोनों देश मिलते हैं, PLO मिलता है और इसराइल की सरकार भी मिलती है, और इस बात पे बात की जाती है कि कैसे इस क्षेत्र का बंटवारा हो और कैसे फिलिस्तीन फिर से बने। तो ओस्लो एग्रीमेंट में पूरे के पूरे जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है और उसके बाद से गाजा पट्टी वाला इलाका, उसको तीन हिस्सों में ब्लॉक ए, ब्लॉक टू, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी में बांटने का प्रावधान किया जाता है, जिसमें ब्लॉक ए ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे फिलिस्तीन रूल करेगा, ब्लॉक बी ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे दोनों इसराइल और फिलिस्तीन साझेदारी रूप से सरकार चलाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों की जनसंख्या, यहूदियों की भी और मुसलमानों की भी जनसंख्या ज़्यादा थी। और जो ब्लॉक सी होगा इसमें, ये इसराइल के रूल में होगा क्योंकि यहाँ पे इसराइली लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के तहत, इसी ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत 1994 में फिलिस्तीनी सरकार का सर्वप्रथम, पहली बार फिलिस्तीनी सरकार का गठन होता है 1994 में। कुछ गिने चुने क्षेत्र इसको मिलते हैं, इस गवर्नमेंट को कुछ गिने चुने क्षेत्र जो होते हैं वो रूल करने को भी मिल जाते हैं। लेकिन इस शांति समझौता से इसराइल में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, जैसे कि मिस्र में कुछ कट्टरवादी लोगों को दिक्कत हो गई थी, वैसे ही अब इसराइल में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है कि एक इंच हिस्सा भी क्यों हम दे रहे हैं फिलिस्तीनियों को, हमको एक इंच हिस्सा भी नहीं देना चाहिए। और जिसकी वजह से जैसे कि उनकी हत्या कर दी गई थी अनवर सदात की, मिस्र के PM की, वैसे ही इसराइल के कुछ कट्टरवादी लोग इनकी भी हत्या, इत्सहाक रबिन की हत्या इसराइल में कर देते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की। लेकिन इस शांति समझौता के लिए फिलिस्तीन के जो PM थे उनको, और जो इसराइल के PM थे उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों 1995 में इत्सहाक रबिन की हत्या कर दी जाती है कट्टरवादियों द्वारा इसराइल में, और उसके बाद से इधर इसराइल में एक तरफ कट्टरवाद का उदय अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वहीं एक तरफ फिलिस्तीन में भी कट्टरवाद अपना पैर पसारने लगता है। फिलिस्तीन में भी कुछ कट्टरवादी लोग जो थे वो मानते थे कि हमें एकजुट होकर के और इसराइल को मिटा देना चाहिए, जिन्होंने हमास संगठन का एक गठन किया,
और हमास का गठन उन्होंने मुख्यतः इसीलिए किया, मेन मोटो था उनका कि हम इसराइल को मिटा देंगे, पीएलओ का विरोध करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेकुलर बन रहा है, जा रहा है उससे मिलने, हाथ मिलाने इसराइल से। और इसके इसी मतलब हमास के इन्हीं सभी उद्देश्यों की वजह से इसराइल, अमेरिका और यूरोप के देश जो होते हैं इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं। दोस्तों 2006 में फिलिस्तीन में इलेक्शन होता है, एक तरफ पीएलओ की एक अल-फतह जो पीएलओ की समर्थक पार्टी थी और ये हमास चुनाव लड़ते हैं, और हमास जो होता है वो गाजा पट्टी वाले इलाके में चुनाव जीत जाता है और जीत जाता है, लेकिन वो फिर से चाहता है कि कैसे भी हम वेस्ट बैंक वाले इलाके पे भी कब्जा कर लें, जिसकी वजह से गृह युद्ध छिड़ जाता है फिलिस्तीन में और जिसे बैटल ऑफ गाजा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस गृह युद्ध की वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा गाजा पट्टी पे हमास का कंट्रोल हो जाता है, हमास अब उस क्षेत्र को पूरा ऑक्युपाइड करके रखता है, किसी को अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, किसी को बाहर से अंदर नहीं आने देता है, और उसके बाद से इसराइल विरोधी वहाँ से गतिविधियाँ शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसराइल पूरे के पूरे उस क्षेत्र के चारों तरफ नाकेबंदी कर देता है, बैरिकेडिंग लगा देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हमास चिढ़ जाता है, आक्रामक गतिविधियाँ करने लगता है, बम और गोले जो है वो फेंकने लगता है इसराइल में, जिसकी वजह से इसराइल भी बार बार बम गोले और मतलब उसमें हमला कर देता है गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में, जिससे सैकड़ों लोग दोनों तरफ मरते हैं। और यही इस समय भी जो विवाद है वो हमास से ही हो रहा है इसराइल का, हमास ने ही कुछ रॉकेट दाग दिए थे किसी मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद से इसराइल ने भी उस पर एक्शन लिया है। अब दोस्तों 2014 में लगा कि फिलिस्तीन में हमास और पीएलओ एक हो जाएंगे फिर से, मतलब सामूहिक रूप से चलाएंगे दोनों साथ में आकर के 2014 में एक दूसरे से मतलब एग्रीमेंट करके और साथ में सरकार चलाने के लिए एक सरकार भी बनाते हैं, लेकिन 2015 में वो सरकार फिर से गिर जाती है क्योंकि हमास धीरे धीरे वेस्ट बैंक पे अपना कंट्रोल जमाने लगा था, जो पीएलओ की समर्थक पार्टी अल-फतह को मतलब नामंजूर था। और वर्तमान विवाद की बात करें तो दोस्तों वर्तमान विवाद में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो मतलब दोनों तरफ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं जिन मुद्दों को लेकर के। फिलिस्तीन सोचता है, फिलिस्तीन की सरकार सोचती है कि 1947 का जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उसके तहत हमको जितना हिस्सा मिलना था वो सारा का सारा हिस्सा हमको मिल जाए, हम शांत रहेंगे और यरूशलम जो है वो हमारी राजधानी बने। लेकिन इसराइल चाहता है कि 1967 में, और फिलिस्तीन ये भी चाहता है कि 1967 में इसराइल जो हमारे क्षेत्रों को कब्जा करके अपना सेटलमेंट बनाया है उसको इसराइल क्या करेगी, वापस हटा लें। लेकिन इसराइल कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, बड़े पैमाने पे हमारे लोग उधर अब रह रहे हैं तो उनको वहाँ से इधर लाना नामुमकिन है, अब हम नहीं ला सकते। और इसराइल 1967 में ही पूरा का पूरा यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर चुका है, इसलिए वो इस बात से भी पीछे नहीं हटना चाहता है कि यरूशलम हमारी राजधानी नहीं होगी। और गाजा पट्टी वेस्ट बैंक के इलाकों के चारों तरफ इसराइल जो है वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के उन कॉलोनियों के चारों तरफ दीवार खड़ी करा दिया है, चारों तरफ से चेक पोस्ट लगा दिए हैं जिनमें इजरायली लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे फिलिस्तीनियों को काफ़ी दिक्कत का वहाँ सामना करना पड़ता है। और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ना इजरायल पीछे हटना चाहता है और ना फिलिस्तीन पीछे हटना चाहता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस मुद्दे को सुलझा पाना काफ़ी कठिन हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये मुद्दा समझ में आया होगा, इजराइल पहले था या नहीं, कब उसका गठन हुआ, कैसे यहूदी आए यहाँ पे, यहूदियों का क्यों नहीं ये क्षेत्र है, क्यों कहते हैं लोग कि ये क्षेत्र यहूदियों का नहीं है, इजराइल नया देश है, ये सब कुछ मुद्दा आप लोगों को समझ में आई होगी, आप ये अब ये सोच पा रहे होंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं किसी और ऐसे ही मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कह सकते हैं हमसे। जय हिंद दोस्तों।